करने का फल दे और इसराइल का परमेश्वर यहोवा जिसके पंखों तले तू शरण लेने आई है तुझे पूरा बदला दे। मित्र, यह बहुत ही महत्वपूर्ण है कि जिसके पंखों तले तू शरण लेने आई है, आप यहाँ पर देखें कि वो विश्वासी बन गई थी और बोझ इसे जानता था। जब बोझ ने अपना अनुग्रह उस पर दिखाया तब उसने कहा, हे मेरे प्रभु, तेरे अनुग्रह की दृष्टि मुझ पर बनी रहे। दूसरे शब्दों में उसने कहा, ठीक है, मैं इसे स्वीकार करती हूँ। सीना बिनने के बाद जब वह घर वापस जाती है तो तीसरे अध्याय इस प्रकार से प्रारंभ होता है। तब रूथ की सास नौमी ने रूथ से कहा, हे मेरी बेटी, क्या मैं तेरे लिए भाव न ढूंढूं, अर्थात एक पति न ढूंढूं कि तेरा भला हो? और अब जिसकी दासियों की पाप तुझी थी, क्या वह बोझ हमारा कुटुम्बी नहीं है? तो क्या मैं तुझे छुटकारा देने वाले कुटुम्बी के विषय में जो व्यवस्था में है नहीं बताया है? फिर नाओमी ने रूथ से कहा, इसलिए तू स्नान कर, तेल लगा और वस्त्र पहनकर खलिहान को चली जा, परंतु जब तक वह पुरुष खा पी न चुके तब तक अपने को उस पर प्रकट न करना, और जब वह लेट जाए तब तू उसके लेटने के स्थान को देख लेना, और जब वह सोए तब तुम मध्य रात्रि उसके पास जाकर अपने आप को प्रकट करना। श्रोता मित्र, यह उनके छुटकारे के अनुसार